जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो एक सिख आंटी गुरुजी के पास जाया करती थी और गुरुजी उन्हें हमेशा अपने पास ही बिठाते थे, क्योंकि वो हमेशा कहा करती थी कि गुरुजी, मैं इतने पूजा पाठ करती हूँ, मुझे तो कभी कोई भी आराम नहीं मिलता। गुरुजी ने उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि आप कौन सा पाठ करते हो। उन्होंने कहा, मैं गुरबानी सुनती हूँ, सुखमनी साहिब पढ़ती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे तो कहीं से भी शांति नहीं मिलती, मेरी बीमारियाँ भी ठीक नहीं होती, मुझे आराम नहीं मिलता। गुरुजी ने कहा कि तुम पाठ गलत तरीके से करती हो। आंटी जी हैरान रह गई कि गुरुजी को कैसे पता कि मैं पाठ कैसे करती हूँ। गुरुजी ने उनको बताया कि जब भी पाठ करो, सच्चे मन से दिल लगा के करो, ताकि आप उस पाठ को समझ सको, लेकिन ये नहीं कि मन में ढेर सारी टेंशन्स रहें, सोच आप किसी और के बारे में रहे हो और साथ साथ आप पाठ कर रहे हो। इसको पाठ करना नहीं कहते, इसको एक फॉर्मेलिटी पूरी करना कहते हैं कि शुरू किया है, ख़त्म तो करना ही है। उन आंटी जी को बहुत बुरा लगा कि गुरु जी ने सारी संगत के सामने मेरी बेइज्जती कर दी है। मुझे अकेले में भी बता सकते थे कि मैं पाठ गलत तरीके से करती हूँ। गुरु जी ने कहा, बुरा ना मन, मैं तेरे को पाठ करने के लिए बता रहा हूँ कि सही से किया कर। आंटी जी उस टाइम हंस देती हैं कि नहीं नहीं गुरु जी, मैंने बुरा नहीं माना। गुरु जी कहते हैं, मैनू पता है तू बुरा मन गई है, जा घर जा, जल्दी से अच्छे से पाठ करना शुरू कर। पहले गुरुजी सारी संगत से ऐसे ही बात किया करते थे, तो उन संगत जी ने अगले दिन से अच्छे से पाठ करना शुरू किया। गुरुजी से बाकी संगत ने पूछा कि गुरुजी, हमने तो गुरबानी और सुखमनी साहिब पढ़ने की सोची थी, लेकिन हमें समझ ही नहीं आती, हम क्या करें, आप हमें बताओ, क्या हम शब्द गुरबानी और सुखमनी साहिब को सुन सकते हैं? गुरुजी ने कहा, हाँ, आप सुन भी सकते हो और पढ़ भी सकते हो। अगर आपको गुरबानी और सुखमनी साहिब समझ में नहीं आती है, तो आप उसको सुनकर अच्छे से समझो। फिर गुरुजी ने कहा कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ने का क्या फ़ायदा है? यदि आप उसे अपने दैनिक जीवन में उपयोग ही नहीं करोगे, तो यह गधे पर चंदन का बोझ डालने जैसा है। गधा चंदन की लकड़ी की कदर नहीं करता और उसका उपयोग नहीं कर पाता, उसके लिए यह किसी भी अन्य लकड़ी, किसी अन्य बोझ की तरह ही है। जो व्यक्ति शास्त्रों के ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग नहीं करता, उसके लिए उसका ज्ञान उसके मन पर बोझ के अलावा कुछ भी नहीं है। आम तौर पर लोग नाम को केवल ध्यान ही समझते हैं, इसलिए जब गुरबानी या सुखमनी साहिब के बारे में बात करो, तो इसे केवल ध्यान से समझो। हालांकि नाम व्यक्ति की पहचान को दर्शाता है, नाम एक ऐसा शब्द है जो व्यक्ति का बोध कराता है। इसी प्रकार भगवान का नाम आनंद, प्रेम और सौंदर्य के सभी गुणों को दर्शाता है, और यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान और उनके सभी गुणों की अभिव्यक्ति करता है। और भी बहुत कुछ है। गुरबानी कहती है कि जब तक आप हर किसी चीज़ में ईश्वर और उसकी सुंदरता को नहीं देखते, तब तक धर्म ग्रंथ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, तब तक धर्म ग्रंथ सुनने का कोई फ़ायदा नहीं। और सुखमनी साहिब को सुखों का अमृत कहा जाता है। हमें धुर की बानी या गुरबानी की प्रशंसा में करोड़ों शब्द कह सकते हैं, लेकिन फिर भी गुरबानी के महान और अनंत महत्व को ध्यान में रखते हुए वे शब्द कुछ भी नहीं होंगे। सुखमनी सुखों की मनी होती है, वे हमें सभी खुशियों को जन्म देती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप सुखमनी साहिब का पाठ सुनेंगे, तो हमेशा खुश रहेंगे। जब भी आप सुखमनी साहिब का पाठ सुनते हैं,
तो आपके शारीरिक और आंतरिक पाप साफ हो जाते हैं, जिसका अर्थ है तन इते मन दी शुद्धि या तन ते मन दे रोग दूर हो जाने। सुखमणि साहिब का पाठ सभी आध्यात्मिक और भौतिक इच्छाओं को पूरा कर सकता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी जाति हो, सब ये पाठ कर सकते हैं, गुरबानी सुन सकते हैं, सुखमणि साहिब का पाठ सुन सकते हैं। कोई भी प्रतिबंध नहीं है, इसलिए जब भी करो सच्चे मन से करो। गुरुजी ने कहा, अब एक बार सुनकर समझ कर देखो, अगर समझ ना आए तो बार बार सुनो, ताकि आपको भी हर एक चीज़ का मतलब पता चले। गुरबानी आपको जीना सिखाती है, आपको बहुत कुछ सिखाती है, और सुखमणि साहिब से आपके रोग और दुख सब दूर हो जाते हैं। संगत जी को समझ आ गया कि गुरुजी किसी किसी को क्यों बोलते थे कि गुरबानी पढ़, गुरबानी सुन या सुखमणि साहिब का पाठ सुन। फिर उन संगत ने कहा कि ठीक है गुरुजी, अगर हमें समझ नहीं आएगा तो हम बार बार सुनेंगे, ताकि हमें धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाए। संगत जी, मैंने जपजी साहिब और सुखमणि साहिब का लिंक कमेंट्स में पिन कर दिया है। अगर आपको भी उन दोनों का हिंदी में मीनिंग समझना है तो मैंने उसको हिंदी मीनिंग के साथ डाला है। आप भी सुखमणि साहिब का पाठ या फिर गुरबानी सुनना शुरू कर सकते हैं, ताकि आपको एक ही बार में हिंदी में अच्छे से समझ आ जाए, सारी अष्टपदियों का मतलब समझ में आ जाए। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।